देखेंगे आप लोग। वेरी गुड, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। बिठा लड़की को, लड़की को बिठाओ। सुनो आओ नाटक देखो, सभा लगी है ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना, कुपोषण से ना जूझे बच्चा, सभा लगी है ध्यान सुनना, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। नमस्कार, मैं उत्तम कुमार अपनी पूरी टीम की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। एक नुक्कड़ नाटक जिसका विषय है पोषण हो अच्छा। आज हमें बाबू के लिए लड़की देखने आना था। अरे चुप हो जाओ भाई साहब, हमें आपकी पसंद है, ये रिश्ता पक्का से बहन जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, आंगनवाड़ी में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बहन जी ये मेरी बीवी पुष्पा है और ये ना बीमार रहती है पेट से, बोला कि आपके पास ले जाऊँ। हाँ ऐसे समय में तो आंगनवाड़ी आपकी बहुत मदद कर सकती है। वो कैसे? जैसे गर्भावस्था के समय में क्या और कैसे खाना है, क्या और कैसे खाना है, माँ और बच्चे का टीकाकरण करवाना और टीकाकरण की जानकारी, टीकाकरण की जानकारी, गर्भावस्था के समय में और गर्भावस्था के बाद प्रसव की जांच की जानकारी, प्रसव के जांच की जानकारी, और सबसे पहले आंगनवाड़ी में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है बहन जी, आप पुष्पा का रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ठीक है, मैं रजिस्ट्रेशन कर दूंगी, लेकिन पुष्पा को सबसे पहले आप सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में लेकर जाइए और जांच करवाइए। ठीक है बहन जी, नमस्ते। कहाँ लेके नमस्ते, नमस्ते। ये मेरी बीवी पुष्पा है। क्या परेशानी है आपको? मुझे बहुत चक्कर भी आते हैं और बहुत थकान भी रहती है और कभी कभी तो बहुत कमजोरी भी महसूस होती है। ये सब एनीमिया के लक्षण हैं, यानी कि खून की कमी। पर माँ ने तो कहा ये पेट से है। एक महिला गर्भवती होती है, खून की कमी की शिकायत होनी है।
खाने में तो मैडम जी मैं इसे समोसे मोमोज बर्गर चाउमीन खिलाता हूँ ताकि मेरा बेटा हस्त पुष्ट हो। ये सब खाने से आपका बच्चा हस्त पुष्ट तो नहीं होगा मगर कुपोषण का शिकार जरूर हो जाएगा। आप उसका अच्छा संतुलित आहार में तीन रंग शामिल हो। अरे समझ गया समझ गया, खाने में पुष्पा को तीन रंग मिला के दे दूं। अरे नहीं भाई, तीन रंग का मतलब संतुलित आहार जैसे अनाज दाल अंडे मांस मछलियां आदि का प्रयोग करना और साथ में आयोडीन नमक का यूज भी करना, उसके साथ 180 पनीर का सेवन करना। समझ गया मैडम समझ गया समझ गए पुष्पा, आज से समोसे बर्गर चाउमीन बंद और संतुलित आहार चालू, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा तो पोषण होगा अच्छा। चलिए जी चलिए। ओ बाबू कहाँ हो बाबू? अरे क्या हुआ बाबू, आज बाबू बेटा से बाबू लगता है मां को तुम्हारी सारी कोट खोलनी पड़ेगी। खोना है खोना है क्या क्या इतनी खुशी देवा देवा बाबू में पाप बन गया तुम दगा बन गए। आगे के सीन में बच्चे के जन्म से 6 माह तक की कहानी, उसका किस प्रकार से लालन पालन करना है और क्या उसे खिलाना है। नहीं माँ जी, ये बच्चे को 6 माह तक ये शहद गुट्टी चाय बिस्कुट बच्चे को नुकसान करता है। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, ऊपरी आहार कुछ नहीं देना चाहिए, इससे बच्चा बीमार हो सकता है। समझ गई आपको, मैं बुढ़ी हूँ केवल माँ का दूध पिलाने के लिए ही बोलूंगी। तो देखा आपने, बच्चे को जन्म से और 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि माँ का दूध ही बच्चों के लिए सर्वोत्तम होता है। अब हम अगले सीन में आपको दिखाते हैं बच्चे के 6 माह से 2 वर्ष तक की कहानी। अरे बहू जी, अब 6 महीने की है और आंगनवाड़ी बहन जी बोला था केवल 6 महीने तक ही केवल माँ का दूध देना है। अब ऐसा कर, उनकी 6 महीने की हो गई है, अब इनको रोटी सब्जी और बाकी चीजें खिलाना शुरू कर दे। ठीक है माँ जी। नहीं माँ जी, ये अभी बच्चे को 6 महीने तक माँ का दूध देना चाहिए और 6 महीने के बाद ऊपरी आहार स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन 2 साल तक माँ के दूध चलना चाहिए और फिर उसके बाद ऊपरी आहार भी देना चाहिए। जैसे बच्चे को आप खिला सकते हैं घर का बना हुआ खाना जो मुलायम होता है, जैसे दलिया खिचड़ी नरम केला पका हुआ पपीता, ये सारी चीजें आप खिला सकते हैं। और हाँ, बच्चे को ऊपरी आहार दिन में 2 से 3 बार दे और साथ ही में माँ का दूध भी दे। और याद रखना, बच्चे को खाना एक ही दिन में सारा कुछ ना खिलाए, धीरे धीरे आहार देना शुरू करे। जी बहन जी, अब हम ऐसे ही करेंगे। आपने सुना कि बच्चों के लिए जो है क्या क्या जरूरी है 6 महीने के बाद जो है खाने में, 6 महीने से लेकर 8 महीने तक बच्चे को 250 ml की आधी कटोरी का खाना 2 से 3 बार खिलाएं। बच्चा जब 9 महीने से 11 महीने के बीच हो तो उसको 250 ml की एक कटोरी का 3/4 हिस्सा 2 से 3 बार खिलाएं और 1 बार अल्पाहार दें। 2 से 3 बार खिलाएं और 1 बार अल्पाहार दें। बच्चा यदि 11 महीने से लेकर के 23 महीने के बीच का है तो उसको खाने में जो है एक पूरी कटोरी 250 ml की 3 से 4 से 5 बार दें और साथ साथ 2 बार अल्पाहार दें। 2 बार अल्पाहार दें। अल्पाहार का मतलब होता है कि आप मतलब ऊपरी खाने में जो है आप आलू मसला हुआ केला साथ में जो है उबले हुए बीन्स ये सब जो है दे सकते हैं, साथ में माँ अपना जो है दूध पिलाना जारी रखे इस दौरान। ये
यदि बच्चे को सही पोषण नहीं मिलेगा तो बच्चा हमारा कुपोषण का शिकार हो सकता है। जैसे उम्र के अनुसार बच्चे का वजन का ना बढ़ना, वजन का ना बढ़ना, वजन के अनुसार लंबाई का ना बढ़ना, लंबाई का ना बढ़ना, बच्चे का बार बार बीमार होना और सुस्त रहना, शरीर में ढीलापन और कमजोरी रहना, ढीलापन और कमजोरी, क्योंकि पोषण अच्छा तो स्वस्थ है बच्चा। अब हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये जो जंक फूड बाहरी खाना हमारे छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहा है और बीमार कर रहा है। तू क्या लाया है? मैं तो पालक की सब्जी और रोटी लाई हूँ, तू क्या लाया है? मैं तो मम्मी से ब्रेड पकौड़ा और चौमिन बनवा कर लाया हूँ। आजा तू भी खा ले, क्या बात खुशी रहती है। तू ही खा ले ब्रेड पकौड़ा चौमिन, मैं तो पालक की सब्जी और रोटी खाऊंगी। जा खा ले बात खुश, मैं तो यही खाऊंगा। हाँ सनी, ब्रेड पकौड़ा और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? नहीं, तू ही सही ब्रेड पकौड़ा और कोल्ड ड्रिंक तू ही खा और पी, मैं तो जूस पीऊंगी, इससे ही मैं स्वस्थ रहती हूँ। तेरे जैसे को कोशिश नहीं रहती। जा तू ही पी, मैं तो कोल्ड ड्रिंक ही पीऊंगा। और जब बच्चा घर पर माँ के पास आता है, अरे क्या हुआ? मेरे पेट में जोरों से दर्द हो रहा है। जोरों से दर्द ना ही है, जब देखो बोलता रहता है दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो देखा आपने, हम जो भी हमारे बच्चे को पैकेट फूड देते हैं, जो भी वो कितना हमारे बच्चों को बीमार कर रहा है, जो भी चौमिन बर्गर मोमोज आज हम खाते हैं वो हमारे साथ साथ हमारे बच्चों को भी बीमार कर रहा है।